नीट पेपर लीक के मामले से जुड़ी बड़ी खबर, शिक्षा मंत्रालय का परीक्षा रद्द करने का फैसला आ गया है। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द, यूजीसी नेट की परीक्षा की सीबीआई जांच होगी। परीक्षा में गड़बड़ी की वजह से यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, ऐसे में परीक्षा रद्द करने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्रालय का परीक्षा रद्द करने का फैसला सामने आ गया है। यूजीसी और नेट 2024 की परीक्षा रद्द और यूजीसी नेट परीक्षा की सीबीआई जांच यहां पर की जाएगी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस पूरे परीक्षा की जांच करेगा। गड़बड़ी की वजह से यह फैसला लिया गया है। कई गड़बड़ियां सामने आती है, खामियां सामने आती है सर्वेश। फिलहाल 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, गड़बड़ी की खबर सामने आती है और यह बड़ा डिसीजन यहां पर लिया गया है कि परीक्षा ही रद्द होगी। अब जी बिल्कुल, देखिए नेट की परीक्षा रद्द हो गई है और ये इस बात का खुलासा भी हो चुका है और यूजीसी नेट का की जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दिया गया। सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई है, दोबारा परीक्षाएं ली जाएंगी। ठीक इसी तर्ज पे नीट की भी परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार चल रही है और सीबीआई से जाँच की भी मांग चल रही है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इसमें क्या कुछ करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है, सुनवाई चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का भी लोगों को इंतजार है, तो तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती हैं नेट की परीक्षा जिस तरीके से रद्द की गई है और जिसमें गड़बड़ी की शिकायत आने के बाद यह फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है, वैसे ही नीट की परीक्षा को लेकर भी शिक्षा विभाग को कोई फैसला लेना चाहिए था। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ पहल हो पाएगी इस दिशा में। चलिए ठीक है सर्वेश, मामला पूरा कोर्ट में है, फिलहाल कोर्ट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही है। कई सारे आरोपी और दोषी जिनको पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें फिलहाल की जा